हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अभी सो के उठी हूँ कल के व्लॉग की तरह। तो गाइस, अभी आप देख सकते हैं कि मैं अभी जस्ट फुल सो के उठी हूँ। मेरा फेस भी आपको नज़र आ रहा होगा कि हाँ, मैं सो के ही उठी हूँ। तो गाइस, आज का जो व्लॉग है वो है बारिश के ऊपर। तो आप लोग गाइस सोच रहे होंगे कि ये व्लॉग बारिश के ऊपर मैंने क्यों बनाया है। तो गाइस, मैं अभी सो के उठी हूँ तो मुझे नहीं मालूम था कि बारिश हो रही है। तो गाइस, बाहर जो है बारिश हो रही है, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ठीक है गाइस, तो मुझे बताइए कि बारिश का मौसम किस किस को पसंद है। मुझे तो बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम पसंद है। इतने दिनों से मौसम यहाँ पे बन तो रहा था, हो रहा था मौसम, लेकिन ये नहीं पता था कि बारिश कब हो जाएगी। मौसम तो हो रहा था, बल्कि हम लोग तो सोच भी रहे थे कि बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। हो ही नहीं रही थी बारिश, बाकी जगहों पे बारिश हो रही थी। तो फाइनली यहाँ पे रात में बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, जो कि अब मॉर्निंग तक बारिश हो रही है। तो मैं भी कल अभी सो के उठी हूँ, तो मैं सोच रही थी, मैंने सोचा आज इतना ठंडा मौसम क्यों हो रहा है। तो देखा कि मतलब बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है बाहर से, तो टिप 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 करके तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है और बहुत ही मज़ेदार वाली। हालांकि अभी मेरे मतलब घर में सदस्य है, मतलब जॉब के लिए गए हैं, तो जॉब जो इंसान जॉब पे जाता है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है बारिश में। कैसे जाएगा, बीमार ना पड़ जाए, कपड़े गीले हो जाएंगे, बहुत दिक्कत होती है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, उनको भी तो अच्छा लग रहा होगा क्योंकि इतने दिनों से धूप में गर्मी में जाना, मतलब यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है गाइज, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो बारिश की खैर ज़रूरत बहुत थी, तो भगवान ने सुन ली ऊपर तो बारिश कर दी। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको बारिश, हो सकता है थोड़ी सी हल्की हो गई है बारिश, क्योंकि मुझे आवाज़ नहीं आ रही, फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। बने रही है ब्लॉग में। तो गाइज, आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा बारिश का मौसम हो रहा है। हम लोग देख सकते हैं कितना शानदार हुआ है बारिश का मौसम। तो बारिश गाइज अब थोड़ी सी रुक गई है, देख सकते हैं बारिश रुक गई है, पूरे में कीचड़ भी पड़ा हुआ है। ठीक गाइज, अब चलते हैं ऊपर। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ हम ऊपर टेरिस पे। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और अभी भी बारिश आ सकती है क्योंकि मौसम अभी हो ही रहा है, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे ठंडी भी लगने लगी है बहुत ज़्यादा। तो गाइज़ बताइए, किस किस को बारिश बहुत पसंद है? मुझे भी अच्छी लगती है, लेकिन अब जिसे होता है ना थोड़ी थोड़ी बूंदें आना, वो नहीं पसंद है। पूरे दिन में थोड़ी 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 बूंदें होती रहती है, मतलब आए तो फिर तेज आए, जिससे थोड़ी सी ठंडक भी हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। कहीं बैठ नहीं सकते, कहीं जा रहे, कपड़े नहीं पहन सकते, मेकअप नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। अब नहीं होगी, आज तो नहीं होगी, कल का पता नहीं, आज तो क्या ठंडा ठंडा रहेगा। हम लोग देख सकते हैं गाइस, नीचे का नज़ारा दिखाती हूँ, बाहर उड़े जा रहे करता और मेरे साथ नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि किस किस को बारिश में बाहर जाकर घूमना किस किस को पसंद है। ठीक है गाइस, और आज का व्लॉग कैसा लगा आप लोग मेरे को ज़रूर बताना कमेंट करके, और लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है,
जरूर करना। तो गाइस अब मैं करूँगी ब्रश, ठीक है गाइस अब मैं करूँगी ब्रश, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरे बाल पूरे बिखरे बिखरे। अब मैं करूँगी ब्रश, पता नहीं काहे का आवाज आ रही, भू भू भू, ये कबूतरों की आवाज आ रही है। ना ना कबूतरों की नहीं है, उड़ी जा रही हैं, इतनी तेज हवा चल रही है, उड़ी जा रही। इन्होंने बेचारी ने गेट पकड़ रखा है, उड़ना जाए। सारे मजे तो मम्मी के ही हैं, सबसे ज्यादा गर्मी इन्हें कोई इनको ज्यादा लगती है। अब इनको मजे मजे आ गए होंगे कि हाँ अब बारिश हो गई है तो ठंडक हो गई, बहुत गर्मी लगती है। तो खराब हो गई मोन्ना, कूलर जब चल जाता है ना गाइस तो ऐसे मजे से ऐसे ऐसे फैल के हवा लेती हैं, मतलब पूरी हवा चाहिए मम्मी को। ये ना बोतल, अब देखो पता नहीं कहाँ जा रही है सामान रखने के लिए। गाइस क्या हुआ कि इतनी तेज हवा चल रही है कि दूसरों के घरों से जो बोतलें सोतलें थी ना सब यहाँ पे गिर गई हैं। ये जो बोतलें हैं ना ये हमारी नहीं है सारी, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गई हैं ऊपर से, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ऊपर भी है लोगों के घर बने हुए हैं, तो पता नहीं। कोई बात नहीं, जिसकी भी हम बात ले देंगे फिलहाल। अभी तो सर्दी आ गई हूँ, ठंड आ गई हूँ, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि मेरा तो बूट भी कमजोर हो गया। बारिश आई थी तो पता भी नहीं चला, जो सामान या छत पे मतलब जो रखा हुआ था कपड़े वगैरह या जो भी अपना छोटा छोटा सामान तो वो जो भीगने वाला था वो सब भीग गया है, मतलब गीला हो गया है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब तो पता ही है जो पैर पूछते वो पैरदान जो होता है ना वो तो पैर होता है वही गीला हो गया ऊपर वाला। अब उससे क्या है पैर पोछे बिना गोया पैर पोछे अंदर जाएंगे तो रूम गंदा होता है, गंदा हो चुका है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज ऐसा मौसम है कल धूप निकलेगी तो धूप खा लेंगे, कोई बात नहीं। तो गाइस ऐसे क्या हुआ कि मतलब रात में बारिश आ गई, पर मौसम तो फिर काफ़ी अच्छा बन रहा था, लेकिन रात में क्या हुआ कि इतना भी मौसम नहीं था कि हम लोगों को थोड़ा भी पता लग सके कि भैया हम अपना सामान जो है फालतू का वो हम लोग उठा लें भीग ना जाए, बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन देखो अचानक से बारिश आ गई, मम्मी मेरी गई नीचे तो अचानक से बारिश आ गई, तो ये जो जो है यहाँ पे मकान बन रहा है तो यहाँ से जितना भी लेंटर वेंटर पड़ा था रेत भी तो बहुत है यहाँ पे, यहाँ से जितनी रेत थी ना वो उड़ उड़ के, क्योंकि बारिश से पहले क्या था मतलब हवा आई बहुत ज़्यादा तेज और अभी भी इस वक्त बहुत हवा चल रही है, देख सकते हैं हवा मेरे बाल के तेज उड़ रहा है। पूरा जो यहाँ की जो रेत थी पूरी छत पे आ गई है बहुत ज़्यादा, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग कहेंगे कि रेत ब्लॉग ये वाला शेयर करना। तो गाइस बताइएगा कि ऐसा मौसम किस किस को पसंद है, मैं तो आप लोग समझ सकते होंगे कि बहुत चल रही है, ठंड लग गई टाइम कैसे होता है कि ठंड लग जाती है, और अगर ऐसा मौसम ज़्यादा ठंड लगती है तो गाइस आज मैं इतनी वेदर में सुबह क्या टाइम से नहा लेती हूँ, लेकिन आज मैं गाइस एक मिनट मम्मी टाइम पूछ रही थी, बता देती हूँ पटाखे फूट रहे हो, क्योंकि बोतलें मतलब साइड में दीवार है तो वहाँ पे के जो सामान रखा हुआ है तो वो हवा की वजह से मतलब
लगातार गिरे जा रहा है। और अब मैं इन सब चीज़ों पर ध्यान दे रही हूँ कि डब्बे जो है ना वो खाली है, तो एक डब्बे में शायद कुछ होगा पानी, तो वो गिर रहा है। सारा प्यार दें, और जो लोग मेरे ब्लॉग से आज ही जुड़े हैं, न्यू लोग जुड़े हैं, वो लोग मेरे ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें, ठीक है। तो ब्रश बहुत देर तक टी शर्ट मैंने चेंज करी है, क्योंकि दो दिन से क्या मैं सेम बना रही हूँ, सोच रही हूँ कि इसके पास मेरा कपड़े ही नहीं है, तो वही कपड़ों में ब्लॉग बनाती हूँ। मैंने कुछ मतलब दो तीन वीडियो मैंने जो अपलोड की है यूट्यूब पे, वो भी कुछ ब्लू टी शर्ट पे है। तारीफ नहीं करता देखिए कितना अच्छा लग रहा है, चिड़िया ची ची कर रही है, यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ऊपर सुहाना मौसम हो रहा है, देख सकते हैं कि गाइस देख सकते हैं कि बादल जो हो रहे हैं वो कितने काले काले हो रहे हैं। इसका मतलब ये है हुई भी नहीं है, तो गाइज आप लोग सोचोगे कि रहती कहाँ है। तो गाइज मैं दिल्ली से हूँ, तो यहाँ पे दिल्ली में क्या अभी तक बारिश हुई नहीं है, दिल्ली भी खैर बहुत बड़ा है, कहीं पे हुई होगी तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ अभी तक यहाँ पे एक भी बार बारिश नहीं हुई। तो आज जो बारिश हुई है तो पहली बारिश है, तो पहली बारिश के मज़े लीजिए, ठीक है गाइज। तो गाइज वैसे तो ऐसे में क्या है, पकौड़े वकौड़े खाने का बहुत मन करता है, लेकिन गाइज पकौड़े जब खाने का मन करता है जब थोड़ी अच्छे से ठंडक हो, खाएंगे फिर कभी सेकंड थर्ड बारिश आएगी, मतलब सेकंड थर्ड बार में बारिश आएगी तब मैं मम्मी को बोलूँगी कि मम्मी कुछ बनाया जाए अच्छा लगे, ठीक है गाइस। तो गाइस हर बार क्या था, फोन को मैं ऐसे ब्लॉग बनाती थी, बहुत छोटा छोटा आता था, आज मैं ऐसे बनाती हूँ मूवीज की तरह। गाइस आप लोग देख सकते हैं वैसे ऐसे बारिश में ना पेड़ों के लिए बहुत राहत होती है, क्योंकि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, अब छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, घरों में लोग पानी डाल देते हैं, लेकिन जैसे दूर कहीं पे पेड़ होते हैं सूख रहे हैं पत्ते उनके, तो उन पे कौन डालने वाला है पानी, कोई नहीं डालता। तो भगवान जब बारिश करते हैं ना तो उन पे खुद ही ऑटोमेटिक जल जो है ना वो पड़ जाता है, ठीक है गाइस। तो हमारे यहाँ पे कुछ फुलवारी
अच्छी लग रही है। पौधे तो हमेशा हर समय ही अच्छे लग रहे हैं, इसलिए गाइस मैं भी ये बोलूँगी अपने घर में आपके जो ग्रीन ग्रीन प्लांट हो या फिर जैसे पौधे हो उनको पानी जरूर पिलाएं गाइस, क्योंकि आप लोग पता है कि हम लोग भी बिना पानी के नहीं रह सकते ना, वो खाने के बगैर रह सकते हैं लेकिन पानी के बगैर नहीं रह सकते। तो गाइस अपने यहाँ पे पौधों को पानी ज़रूर दें, ठीक है। और छत पे जो आपके छोटी छोटी जो क्या बोलते हैं उनको बर्ड्स वगैरह होती हैं, क्रॉ होते हैं, तो उनके लिए आप एक छोटा सा बाउल रखें, उसमें आप पानी रखें सबके लिए कि आए तो पानी पी के जाएँ। गाइस फुल होता है, आप लोग तो समझते हैं कि भाई ऐसे करने से खुद को ही मन को शांति होती है ना गाइस। तो बताइए बर्ड्स बॉक्स में कौन कौन वो पानी रखता है और कौन कौन पानी, तो चुड़ैल होनी जा रही हूँ भाई, क्योंकि कभी क्या हवा आगे से आती है तो ये डाल रखा इसके ऊपर पर्स आएगी या क्रो आएगा तो पिएगा। ठीक है चलते हैं और मैं अपने हाथ के ऊपर जा रही हूँ ब्रश करने, क्योंकि मैं कब तक खड़ी रहूँगी, मेरी मम्मी है ना मेरे को भी लग रही है। तो गाइस ये बताइए सुबह सुबह अगर जैसे हम लोग काम नहीं करते तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस किस को सुबह डांट करती है, या फिर मैं 9:30 से पहले नहीं उठती। तो गाइस बताइए कि कौन कौन लेट उठता है मेरी तरह और किस किस को सुबह उठते ही डांट पड़ती है, जरूर बताइएगा। जब डांट पड़ती है ना गाइस तो फिर मैं जल्दी उठना शुरू करती हूँ, तो फिर मैं वही लेट उठती हूँ नीचे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो नीचे जाने के लिए कह रही थी तो ऊपर क्या कर रही है, तो गाइज मैं नीचे गई थी लेकिन नीचे ना तो अंधेरा भी हो रहा है और पापा भी ड्यूटी जा रहे हैं, तो पापा को डिस्टर्बेंट हो रहा था कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ, कह रहे थे सुबह सुबह क्या कर रही है, ठीक है। तो गाइज मैंने सोचा मैं ऊपर ही आगे ब्रश कर लेती हूँ, घर तो अपने ही नीचे करो या ऊपर करो, है ना। तो गाइज मैंने ये मतलब ये ऊपर ही था मेरा ब्रश तो मैंने ऊपर से ले लिया है, तो मैंने खुद से डर लिया। अब करते हैं ब्रश। तो गाइज अब मैं सोच रही होंगी कि कलर जो मेरा ब्रश था वो तो ब्लू ब्लू कुछ था और ये अगर ऑरेंज, तो गाइज बता दूँ कि मेरा जो ऊपर जो मैं टेरिस में मेरा ब्रश रखा हुआ है वो मेरा ये वाला है, तो नीचे रखा है वो मेरा ब्लू एंड वाइट कलर का है, क्योंकि नीचे क्या है जैसे नीचे हैं हम लोग तो फिर ऊपर आने का मन नहीं करता, क्योंकि तो मैंने दो ब्रश अपने रखे हुए हैं नीचे के लिए वाला ऊपर के लिए वाला। तो गाइज ठीक है हम लोग चलते हैं नीचे, तो क्योंकि पापा मेरे जा चुके हैं तो हम लोग चलते हैं नीचे। ठीक है फिर मैं करती हूँ ब्रश, आप लोग सोचेंगे कि ब्रश करती हुई वीडियो दिखाती है, तो फिर गाइस मैं आपको पूरा ब्लॉग दिखा दूँ ब्रश करती हूँ, फिर भी थोड़ा सा तो बनता है। ठीक है गाइस तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मैं सब दिखाती रहती हूँ। अरे मेरे बाल उड़े जा रहे हैं, मैं भी उड़ी जा रही हूँ, देखो गाइस। ठीक है गाइस तो मिलते हैं ब्लॉग पे। तो गाइस मैं आ गई हूँ नीचे और मैं करूँ ब्रश, और मम्मी चिल्ला रही हैं कह रही हैं इतना सारा कोलगेट ले लिया, बताओ गाइस इतना सारा है ताँ तो साफ होनी चाहिए ना, ई तो ऐसे करनी है। तो सूखे पाके जाने का गाड़ी के नीचे बैठे रहे, सूखे सूखे आए कहीं भीजे नहीं थे और सीधे भीतर चले गए जाएगा आराम से बैठे गए। तो गाइस जब मैं कर लेती हूँ ब्रश, फिर मैं आपसे ब्रश करने के बाद मिलती हूँ, मतलब बने रहिए मेरे ब्लॉग में। आप कह रहे होंगे सिर्फ ब्रश करे टाइम पर फैन नहीं है, ठीक है बाय बाय। तो गाइस अब मैंने ब्रश कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ब्रश कर लिया है और मुंह भी धो लिया है, मुंह मैंने अभी साबुन वाबुन से नहीं धोया है, आप लोग देख रहे होंगे। ऐसे धो लिया पानी से। हाँ।
आरस आता है ना, साबुन रखा है ऊपर और नीचे हूँ मैं। और आज क्या है, बहुत बेशन पे साबुन ही नहीं है, कोई उठा के ले गया होगा ऊपर, या तो खत्म हो गया होगा, मुझे तो मालूम भी नहीं है। तो कौन जाए ऊपर, आलस आता है। जब जाऊंगी, अब जाऊंगी क्या, जब जाऊंगी तो फिर सीधा नहाऊंगी, है गाइस। मामी तुम्हारे घूमने नहीं आई, मेरी मामी है ना वो इधर ही रहती है थोड़ा पास में, तो वो गाँव गई थी, तो मैंने उनसे ना इमली मंगवाई थी। इमली समझ गए ना, कोई खट्टी खट्टी होती है इमली, वो यहाँ पे भी तो मिलती है, लेकिन यहाँ पे ना मैंने देखा यहाँ पे खूब खट्टी नहीं मिलती है, क्योंकि थोड़ी मीठी मीठी मिलती है। तो मेरा मन था, वो जा रही थी गाँव, तो गाँव में क्या है मस्त एकदम बढ़िया वाली मिलती गाइज, तो वही मैंने उनसे मंगवाई है। तो फ़ोन आया था मम्मी को, तो मम्मी मेरी वही बता रही थी कि इमली ले आई मामी तेरे लिए। तो गाइज इमली जब आएगी खाऊंगी तो मैं आप सबसे भी ज़रूर शेयर करूंगी। देखते हैं किस किस के मुँह में पानी आता है, फिर मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताना, ठीक है गाइज। तो अब देखती हूँ मैं चाय है नहीं है, आज मिलती है चाय नहीं मिलती, तो देखते हैं जैसा भी है आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी। तो गाइज चाय तो नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा वैसे तो मैं चाय नहीं होती तो मैं दोबारा बनाती भी नहीं हूँ या मांगती नहीं हूँ दोबारा, लेकिन आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, नुकसान तो करेगी नहीं ऐसे में चाय। तो मैंने सोचा कि मम्मी से पूछा, मम्मी कह रही भी चाय नहीं है तो बना ले तू, तो मैंने रख दिया बनने के लिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है गाइज। तो गाइज ये मैंने चाय रख दी है बनने के लिए, और ये मम्मी हमारी बना रही है रोटी। ये देखो कितनी जोर की लगी पड़ी है रोटी बनाने में, गोल 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 की बोली बोल। ये निकाली ये दूसरी डाली, तो वही आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह रोटी, अब हमारे यहाँ पे क्या है ना, सारे जॉब पे जाते हैं तो सुबह सुबह तो रोटी ही चलती है, तो जिसके यहाँ पे नहीं जाते हैं तो उनके यहाँ पे सुबह आराम से बैठ के नाश्ता होता है, हमारे यहाँ तो नाश्ता भी नहीं हो पाता क्योंकि टाइम ही नहीं है किसी के पास, ठीक है। लेकिन अब मैं करूँगी नाश्ता फेन और चाय का। ये देखो मम्मी हमारी लगी पड़ी रोटी बनाने में, जोरों से काम चल रहा है एकदम, मैं भी अपना ज़ोरों से काम कर रही हूँ, है ना गाइस। तो गाइस अब थोड़ा सा सूखा हो गया है, हल्का हल्का कहीं कहीं पे है, जहाँ जहाँ थोड़ा सा खट्टा है ना, हाँ पानी भर गया है वो भी हो गया सूखा। तो गाइस मौसम तो अभी भी ऐसे ही लग रहा है कि काला काला सा है, लेकिन देख रही हूँ लग तो ऐसे ही रहा है, बारिश आने की पूरी संभावना है क्योंकि बादल चल रहे हैं। हम छोटे थे तो हम पूछते थे मम्मी से, मम्मी बादल क्यों चलते हैं, मम्मी कहती थी बादल है ना पानी लेने जा रहे हैं। क्या ये सच है, आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि ऐसा ही होता है, आपकी मम्मियाँ भी आपसे ऐसी बोलती हैं, तो शायद बादल सच में पानी लेने जा रहा है, तो देख लेंगे। तो गाइज अब मैं पीऊँगी चाय और आपको दिखाऊँगी जब चाय बन जाएगी, तो फिर उसके बाद हम करेंगे अपने ब्लॉग को एंड, ठीक है। तो गाइज बने रहिए मेरे ब्लॉग में और मिलते हैं चाय पे, ठीक है गाइज। तो गाइज फाइनली अब मेरी फाइनली चाय बन चुकी है, आप लोग देख सकते हैं चाय मेरी बन गई है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि चाय पे मिलते हैं, तो अब मैं करूँगी नाश्ता की, और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। वैसे मैं डेली तो चाय नहीं पीती हूँ, चाय गर्म होती है मुझे देती है प्रॉब्लम, लेकिन कभी कभार पीने में तो खैर कुछ नहीं होता है, बाकी आज मौसम भी ठंडा हो रहा है तो नुकसान तो वैसे भी नहीं करेगी। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि मेरे चाय और मेरा फैन तैयार है बिल्कुल। तो गाइस ठीक है, फिर अब हम चाय पीते हैं। चाय में अगर अदरक पड़ी हो ना तो चाय का और मज़ा, मतलब मज़ा और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है, ठीक गाइस। तो हम अपने ब्लॉग को करते हैं एंड, और गाइस अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो मेरे ब्लॉग को करें लाइक एंड सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट, ठीक है गाइस। और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए मेरे ब्लॉग को। तो गाइज अभी क्या है, मैंने भी अपना न्यू चैनल बनाया है, तो जितने भी ब्लॉग डाले हैं आई होप सो कि आपको मतलब पसंद काफ़ी ज़्यादा आएंगे, ठीक है गाइज। तो हम लोग चलते हैं, ठीक है गाइज।
तो मिलते हैं बाद में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके। बाय, लव यू।